गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट सी प्रोग्राम। लेकिन सी प्रोग्राम करने से पहले, हमारे को कुछ रूल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम क्या है इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको अच्छे ढंग से सीख सके। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या है, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सभी क्या है अलग से लिखी जाएगी। मतलब ईच इंस्ट्रक्शन इन सी इज रिटन सेपरेटली, मतलब उसको अलग से लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है कि जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो क्या है कि हम जिस ऑर्डर के अंदर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी ऑर्डर के अंदर हम लिखेंगे। मतलब सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहते हो कि क्या है राम कुमार। अब जैसे क्या है राम कुमार को आप इकट्ठा लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, यहाँ पे कमांड होती है सबसे पहले प्रिंट एफ राम, ठीक है, देन अगेन अब देखो मैंने यहाँ पे दो लिखा, लिखने को मैं एक में भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको ये दो में क्यों बता रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या है राम आएगा, देन कुमार आएगा, तभी हमारे पास क्या है इस टाइप से नाम आएगा। अगर आपने कुमार को पहले लिख दिया राम को बाद में लिख दिया तो क्या आएगा, ये नेम उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे आप चाहते हो। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप रिजल्ट चाहते हो उसी ऑर्डर में अपने आप प्रोग्राम को लिखो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या है ब्लैंक स्पेस का हम यूज करते हैं, मतलब अगर हमारे को कोई दो चीजों को लिखना है तो उनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस होना जरूरी है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कोई वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो वेरिएबल नेम के अंदर ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जितने जो भी हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो क्या है, सी लैंग्वेज में सारे के सारे क्या होते हैं स्मॉल केस लेटर में होते हैं, मतलब कोई भी अपर केस लेटर में नहीं होता, अदरवाइज बाकी सारे स्मॉल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जब भी स्टेटमेंट क्लोज होगी तो स्टेटमेंट क्लोज होने पे क्या है सेमी कोलन लगेगा, सेमी कोलन ही हमारे को ये बताएगा कि वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है, मतलब वो स्टेटमेंट वहां पे खत्म हो चुकी है। और हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है कि ये क्या है फ्री फ्रॉम लैंग्वेज है, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज मीन्स इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि आपको ये चीज वहां लिखनी है ये चीज वहां लिखनी है, आप अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हो। अब मैं दोबारा एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के जो रूल्स हैं। सबसे पहले क्या ईच इंस्ट्रक्शन इन सी इज रिटन सेपरेटली, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन जो है सी की वो अलग अलग लाइन के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद है सेम ऑर्डर, मीन्स जिस ऑर्डर के अंदर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आए उसी ऑर्डर के अंदर आप उसे लिखोगे। उसके बाद थर्ड है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस क्या है कि अगर आपके प्रोग्राम में आपको जैसे कोई दो लाइनें लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा राम और देन कुमार, तो मैं इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या दूंगा एक स्पेस दूंगा ताकि वो अलग से पता चले। लेकिन जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने बनाया अकाउंट बैलेंस, तो अकाउंट बैलेंस इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता, जो उसके अलावा जो चीजें हैं उसमें स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद क्या स्मॉल केस, मतलब जितने भी लेटर्स होते हैं इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो स्मॉल केस के अंदर लिखी जाती है, एक्सेप्ट इनवर्टेड कॉमास। इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज होती है वो कैपिटल में हो सकती है, उसके अलावा स्मॉल केस में होती है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, ये सेमी कोलन क्या दिखाता है कि स्टेटमेंट जो टर्मिनेट, मतलब खत्म हो चुकी है, वहां पे जहां पे सेमी कोलन आ गया वहां पे स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद लास्ट जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, मीन्स ये इसके अंदर कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि ये चीज यहाँ आएगी ये चीज यहाँ आएगी, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग
किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, सबसे पहले देखो आप यहाँ देख रहे हो हमने दो प्रोग्राम लिखी है। फर्स्ट में क्या है, #includestudio.h #includeconio.h, यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स यूज करी है और यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल्स यूज करी है #includestudio.h। अब इन हेडर फाइल्स का काम क्या है वो हम आपको बताना चाहिए। #include ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, मीन्स क्या है, एक पहले से बनी हुई फाइल है जो क्या करती है, इंक्लूड करती है किसको, studio.h जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है, और कोनियो क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है। अब हमने यहाँ पे जो प्रिंट ऑफ फंक्शन लिखा है इसकी कोडिंग कहाँ पे है, इसकी कोडिंग है इस फंक्शन के अंदर, सिमिलरली इसकी कोडिंग इसमें है, ठीक है। और conio.h क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट, यहाँ पे जो हमने गेट सी एच का यूज किया है मतलब गेट करेक्टर का, तो इसकी कोडिंग कहाँ पे है, इस कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर। उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिए हैं, इसमें है हमारे पास void main और इसमें हमारे पास क्या है, int main function। अब देखो void main function क्या का क्या मतलब है कि अब दोनों का मतलब सेम ही है कि फंक्शन के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन इसका void का मतलब क्या है, एम्प्टी, मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, और int का int main का मतलब है कुछ ना कुछ हमारे रिटर्न करेगा। अब जो int main है वो किससे कनेक्टेड है, रिटर्न से। अब यहाँ पे हमने क्या करा, रिटर्न जीरो, तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, जीरो। बात आते हैं हमारा ये जो ब्रेसेस देख रहे हो आप, ठीक है, ये ब्रेसेस क्या होती है, ये दोनों ब्रेसेस के अंदर हमारा जो भी प्रोग्राम है मतलब जो भी हमने टाइप करना है प्रिंट करवाने के लिए, तो वो क्या है, इन दोनों ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। अब इसके अंदर जैसे हमने क्या लिखा, प्रिंट प्रिंट एफ हेलो, अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है हेलो, तो वो क्या होगी हमारे पास लास्ट में एज ए आउटपुट रिटर्न होगी। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे को क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। देख अब देखो इंट हमने आपको बताया था कि रिटर्न जीरो, लास्ट में रिटर्न ये वैल्यू क्या करेगी, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इंट, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारे को रिटर्न करेगी। और गेट सी एच क्या है, ये हमने इसलिए लगाया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एट ए टाइम हमारे को मिल सके, इसलिए हम गेट सी एच का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हमने प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में जान लिया, ठीक है, प्रिंट एफ के बारे में बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू लिखी है उसको क्या करें, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ये ब्रैकेट क्या डिफाइन करते हैं, मतलब जो भी स्टेटमेंट हम ये ब्रैकेट और जो ये इनवर्टेड कोमा है, ब्रैकेट क्या करती है, सेपरेट करती है स्टेटमेंट को, और इनवर्टेड कोमा क्या करता है, ये दिखाता है कि जो चीज हमने प्रिंट करनी है वो किस में आएगी, इनवर्टेड कोमा में आएगी। अब देखो यहाँ पे आपने सिंगल वर्ड तो सीख लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने लिखा हेलो, हेलो के बाद आप चाहते हो एक और आए लेकिन वो क्या है, नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे अगेन और इससे पहले क्या करेंगे, स्लैश एन लगा देंगे और हेलो, सॉरी स्लैश एन लगा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, राम। अब ये क्या करेगा, हमारे को जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, हमारी पहले हेलो लिखा आएगा, देन नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आएगा, राम। तो हमने जो ये वर्ड ये यूज करा है वो क्या काम करता है, हमारा जो वैल्यू है उसको नेक्स्ट लाइन में लाने का काम करता है। अब इन केस अगर आपने ये नहीं लगाया तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, हेलो और राम, मतलब एक ही लाइन में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। और दूसरी चीज, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पी स्मॉल लिखा है, कैपिटल क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, स्मॉल केस लेटर है, तो इसमें स्मॉल आएगा, अगर आपने यहाँ पे पी स्मॉल लिखने की बजाय कैपिटल लिख दिया तो ये क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा आपके सामने, जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या हाउ टू राइट सी प्रोग्राम विच गिव्स आउटपुट सुनिष्का फाउंडेशन, ठीक है, मतलब हमने हमें क्वेश्चन लिखेंगे जिसका आउटपुट क्या मिले हमारे को, सुनिष्का फाउंडेशन।
देखो सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच देन हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, उसके बाद वर्ल्ड नेम, देन यहां से हमारा स्टार्ट होगा जो हमने लिखा प्रिंट करवाना है। क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ इनवाइटेड कोमा ब्रैकेट देन ब्रैकेट के बाद इनवाइटेड कोमा, उसके बाद जो हमने प्रिंट करवाना है सुनिष्का, देन स्पेस देंगे थोड़ा सा, उसके बाद फाउंडेशन देन इनवाइटेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन देन गेट सी एच गेट करेक्टर और देन प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अब आपको जब आप इसे रन करोगे तो रन करने के बाद आपके सामने क्या है, ब्लैक सी स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपको आउटपुट दिखेगा। वो आउटपुट क्या होगा, सुनिष्का फाउंडेशन। आप अपने इस प्रोग्राम को लिख लो, मतलब सी का जो एडिटर है जब आप इसको उसके अंदर लिख लोगे तो इसको क्या है, हम सेव कर देंगे, कोई भी आप नाम देके डॉट सी एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद जब आप इसे रन करोगे तो रन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, एल्ट प्लस F5। जब आप ये प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आएगी, ये ब्लैक स्क्रीन आपको क्या होगा, आउटपुट दिखाएगी।